नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की। तो उसके हवाले से जो आंकड़े हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये रिपोर्ट छपी थी 2021 की। इस रिपोर्ट में दे रखा है ये सारे आंकड़े, किस शहर में कितना जंगल है। अच्छा, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, सबसे ज़्यादा एरिया जो जंगल का वो पंचकूला में है, और यमुनानगर में भी जंगल का ठीक ठाक एरिया आता है। तो अब बात करते हैं फैक्ट्स की। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो वनावरण क्षेत्र है हमारा, यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है, वो है 1603.48 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.63% है, हरियाणा के भौगोलिक एरिया का। अच्छा, इसमें अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है 28 वर्ग किलोमीटर, ये यमुनानगर और पंचकुला में ही है। मध्यम सघन वन यानी कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ये है 445.38 वर्ग किलोमीटर। खुला वन यानी कि जंगल, तो इसे कहेंगे ओपन फॉरेस्ट, ये है 1130.10 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है, तो वो है पंचकुला में। पंचकुला में है 392.10 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज वाइज भी 43.66% पंचकुला का हिस्सा वन का क्षेत्र है। परसेंटेज वाइज भी पंचकुला में ज़्यादा है, और एरिया वाइज भी पंचकुला में ज़्यादा है। सबसे कम वन क्षेत्र है पलवल का। पलवल का 13.56 वर्ग किलोमीटर एरिया है, वो जंगल का है। अच्छा, अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो फतेहाबाद में 0.73% वन क्षेत्र है, जो कि किसी भी ज़िले में सबसे कम है, ठीक है। अच्छा, राज्य के क्षेत्रफल में, राज्य का क्षेत्रफल में 158.93 किलोमीटर वर्ग झाड़ियों का है, और ये झाड़ियों के मामले में महेंद्रगढ़ नंबर एक पर पाया जाता है, ठीक है। इसको दोबारा से समझ लेते हैं, यहाँ पे देख ले, स्टेट एज एरिया ऑफ 158.93 स्क्वायर किलोमीटर अंडर श्रब्स, यानी कि झाड़ियों के मामले में, और झाड़ियाँ मेनली महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। तो ये राज्य का 158.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही झाड़ियों का है, जो कि हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है जो स्टेट का, उसका 0.36% है, और झाड़ियाँ सबसे अधिक महेंद्रगढ़ में पाई जाती है।